के बाल संस्कार शिविर में छोटे छोटे बच्चों को किस प्रकार से शारीरिक रूप से और कैसे मानसिक रूप से हम स्वस्थ बना सकते हैं, और इन बच्चों का जैसा चरित्र होगा, जैसा व्यवहार होगा, उसी प्रकार का हमारे देश का व्यवहार हो सकता है, हमारे समाज का व्यवहार हो सकता है। समाज और देश किसी वस्तु का नाम नहीं है, वो हमसे और आपसे मिलकर के ही बना है। किससे मिलकर के बना है देश? हाँ, जैसा हमारा आचरण होगा, जैसा हमारा व्यवहार होगा, जैसा खान पान होगा, जैसा हमारा चरित्र होगा, वैसा ही देश का चरित्र होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। देश का यदि चरित्र बदलना है, देश का स्वभाव बदलना है, तो सबसे पहले किसका चरित्र बदलना पड़ेगा? अपना बदलना पड़ेगा। यानी व्यक्ति निर्माण से समाज निर्माण, व्यक्ति परिवर्तन से राष्ट्र परिवर्तन के अभियान में हम सभी लोग यहाँ बैठे हैं। और यह जो उड़िया मंदिर प्रांगण है, यह बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही पौराणिक, और हमारे बहुत सारे लोगों ने मिलकर के इसे बनाया है। और माँ भगवती की हम शरण में बैठ करके और माँ भगवती जैसा हम अपने जीवन को बनाएं, और जब ऐसा जीवन होगा हमारा, तो वास्तव में दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा, और दूसरे हमारे आचरण को देख करके अपने आचरण को बदलेंगे, दूसरे हमारे आहार व्यवहार को देख करके अपने जीवन को सुधारेंगे। और आज दुनिया मर रही है अपने ही कर्मों के फल भोगते भोगते। यदि हमें किसी प्रकार की समस्याएं हो रही हैं, तो वो कहीं दिखता नहीं है। कहीं ब्लड प्रेशर का दुकान देखे आप लोग? कहीं घुटना दर्द का दुकान है? कहीं ब्लड प्रेशर का दुकान है? कहीं कैंसर का दुकान है? कहीं तनाव क्रोध का दुकान है? कहीं लड़ाई झगड़ा का दुकान देखे आप लोग? कहीं नहीं। ये सब कहाँ से आ रहा है? हमारे ही अंदर से आ रहा है, हमारे विचारों से आ रहा है। और जब एक बार ब्लड प्रेशर हो जाए, कैंसर हो जाए, तो आदमी का जिंदगी तबाह हो जाता है और पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। इसलिए आप सभी छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको मैं दो तीन चीजों पर ज्यादा ध्यान आकर्षित कराऊंगा कि आप लोग का जीवन, आपका चरित्र इतना बढ़िया हो जाए कि आपको ऊंचाई पर चढ़ने पर, कहा जाता है ना कि सीढ़ी पे हम धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं तो वहां जाकर के सब कुछ दिखता है, और नीचे रहते हैं तो सब कुछ नहीं दिखता है। तो जब हम नीचे रहेंगे, जब हम दलदल में रहेंगे, कीचड़ में रहेंगे, तो दिखेगा सब कुछ नहीं दिखेगा। और वो आदमी नीचे से निकलेगा जैसे कुआं से बाहर निकलता है, ऊपर आदमी आता है तो सब कुछ दिखता है। इसलिए जिस व्यक्ति का आचरण ठीक नहीं, जिस व्यक्ति का व्यवहार ठीक नहीं है, उस व्यक्ति को समाज तो छोड़िए, उसके माँ बाप, उसकी पत्नी तक भी उससे प्रेम नहीं करती। करेगी? नहीं करेगी। माँ बाप करेगा? नहीं। घर परिवार करेगा उससे प्रेम? प्रेम या व्यवहार या प्यार वही करता है जिसका व्यवहार ठीक ठाक है। यदि हम व्यभिचारी हो जाएं, हम यदि बलात्कारी हो जाएं, हम यदि चोरी चुगली करने लगे, तो हमसे कोई प्रेम करेगा? कोई नहीं करेगा। गाली देगा हमको देख करके, अरे देखिए वो तो कल वो बता रहा था और आज वो गलत काम कर रहा है। इसलिए हर आदमी को सबसे पहले अपने चरित्र पर ध्यान देना है, अपने व्यवहारों पर ध्यान देना है। तो आइए हम आप लोगों को योग प्राणायाम की दुनिया में सैर कराएंगे, और योग से कैसे हम शरीर को स्वस्थ बनाते हैं, कैसे हमारा दिमाग अच्छा काम करता है। आदमी को ना जिंदगी भर यही नहीं पता चलता है कि हम आदमी है कि जानवर है, यही समझने में जिंदगी खत्म हो जाती है नहीं। और आदमी का उठना बैठना सोना यही नहीं समझ में आता है। जिस दिन आदमी को केवल ये समझ में आ जाए कि हमको कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या बोलना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, नहीं किसके साथ हमें बातचीत करनी है, किसके साथ बातचीत नहीं करनी है, यही समझ में आ जाए, तो समझिए कि जिंदगी का बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो भाई हम आगे बढ़ते हैं।